हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। उसको पहले जाकर के देख लीजिए, जिससे कि आपके इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, पिछले वीडियो में जो था ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस वाले पार्ट को मैं करा चुकी हूँ। यानी कि ऑडिट को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। फर्स्ट पार्ट था अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस और दूसरा था फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये जो दूसरा पार्ट है ये हम अभी देख रहे हैं, यानी कि फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट ऑडिट आता है वो है कंटिन्यूअस ऑडिट और डिटेल्ड ऑडिट। अब देखिए, कंटिन्यूअस ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट से आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि जो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है वो कंप्लीटली थ्रू आउट द ईयर रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है ना। रेगुलर बेसिस पे हम ऑडिट करते रहते हैं फिक्स पीरियड पे, ठीक है। तो देखिए, डिटेल में अभी हम देख लेते हैं क्या होता है कंटिन्यूअस ऑडिट। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर स्टाफ इज ऑक्यूपाइड कंटिन्यूअसली ऑन द अकाउंट्स द होल ईयर राउंड और वेयर द ऑडिटर अटेंड्स एट इंटरवल फिक्स्ड और अदरवाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड performs an interim audit. Such audits are adopted where the work involved is considerable, have many points in their favor, although they are subjected to certain disadvantages. अब देखिए, continuous audit का मतलब है जहाँ पे जो audit staff हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड होते हैं, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि साल में बस एक बार ऑडिट कराया गया, साल में रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट चलता रहता है। या वो फिक्स्ड भी हो सकता है या फिर एज पर द डिमांड भी हो सकता है। मतलब एक रेगुलर फिक्स इंटरवल पे आप ऑडिटिंग कराते जा रहे हैं, है ना। दस, अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज इन्वॉल्व्स द कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर एट रेगुलर इंटरवल्स फिक्स्ड और अदरवाइज ऑफ से 1 month और मंथ्स। द अकाउंट्स इन सच अ केस आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट एज एंड व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड। यानी कि देखिए, ये जो ऑडिट है ना, कंटिन्यूअस ऑडिट, ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है, रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है। एक मंथ में भी ऑडिटर आ सकता है, 2 month बाद भी ऑडिटर आ सकता है, हाफ ईयरली भी आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है। जब भी क्लाइंट को नीड होगा वो इसको ऑडिट कराते रहेंगे। यानी कि रेगुलर बेसिस पे, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम फ्रेम को फिक्स करते हैं। वो 1 महीने पे फिक्स करते हैं, 2 महीने पे फिक्स करते हैं, 3 महीने पे फिक्स करते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन एक फिक्स इंटरवल पे कंटिन्यूअसली ऑडिट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि साल के आखिर में, यानी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तो ही ऑडिटिंग होगी, ऐसा नहीं है। हर रेगुलर बेसिस पे वहां पे ऑडिटिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। बेसिकली ये जो ऑडिट होता है ना, खास करके बिग बिजनेस हाउसेस के लिए होता है, क्योंकि देखिए ऑडिटिंग में क्या होता है, लास्ट में जब ऑडिटर आता है, जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ट्रांजैक्शंस बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहां पे ऑडिटर को एक सिटिंग में, एक सेशन में बैठ करके उनके ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से चेक कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो वहाँ पे सैम्पलिंग प्रोसेस यूज करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कुछ एरर्स रह जाते हैं ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट में भी। इसलिए जो बहुत ह्यूज बिजनेस हाउसेज होते हैं वो कंटिन्यूअस ऑडिट को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि रेगुलर इंटरवल पे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कराते रहते हैं क्वालिफाइड ऑडिटर से, ताकि जब फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट बने तो उसमें किसी तरह का कोई एरर या फ्रॉड देखने को ना मिले। कंटिन्यूअस ऑडिट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉलोइंग बिजनेस कंसर्न, है ना। कुछ बिजनेस कंसर्न देख लीजिए क्या क्या है वो। वेयर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज इन द केस ऑफ बैंक। जहां पे फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो जस्ट आफ्टर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के बाद, जैसे कि बैंक में देखने को मिलता है नेक्स्ट है वेयर द ट्रांजेक्शंस आर मेनी इन नंबर्स एंड दस इट बिकम नेसेसरी टू गेट देम ऑडिटेड एट रेगुलर इंटरवल. जहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं, वहां पे ये रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं, बिग बिजनेस हाउस है, तो उसको एक सिटिंग में आप कैसे बहुत डीपली जा करके आप ऑडिट कर सकते हैं. तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे करेंगे तो क्या होगा, आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस की ऑडिट कर पाएंगे. वेयर द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज इन ऑपरेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी जो इंटरनल चेक है ऑर्गेनाइजेशन का वो कोई खास अच्छा नहीं है. उस केस में कंटिन्यूअस ऑडिट क्लाइंट जो है, जो ओनर होता है या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो पसंद करते हैं. वेयर द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी मंथ और क्वार्टर टू बी प्रेजेंटेड टू द मैनेजर. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अकाउंट स्टेटमेंट जो होता है वो हर महीने या फिर क्वार्टरली मैनेजमेंट के सामने पेश किया जाता है ना. तो अब जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको चेक करके ही मैनेजमेंट के सामने पेश किया जाएगा ना, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. हर महीने अगर पेश करना है तो आप कंटिन्यूअस ऑडिट में ऑडिटर को हर महीने बुलाएंगे, अगर क्वार्टरली करना है तो वहां पे ऑडिटर हर क्वार्टर पे आएगा और कंटिन्यूअस ऑडिट को परफॉर्म करेगा और बताएगा कि आपने अभी तक के जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू हैं, आप इनको मैनेजमेंट के सामने पेश कीजिए. और मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट देगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी तरह का कोई एरर या फ्रॉड नहीं है. नेक्स्ट वन, वेयर सेल्स एफेक्टेड आर वेरी लार्ज, है ना, जहां पे सेल्स बहुत ज्यादा है. ऑब्वियसली बात है, बड़ा बिजनेस हाउस है तो वहां पे सेल्स ज्यादा है, तभी तो वो बड़ा बिजनेस हाउस है. तो इस तरीके की जगहों पे कंटिन्यूअस ऑडिट देखने को मिलता है, एप्लीकेबल होता है. अब कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं? इजी एंड क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड. जो भी एरर एंड फ्रॉड होते हैं वो आप आसानी से इसमें पता लगा पाते हैं. जो ऑडिटर होता है वो, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, तो वो काफी डिटेल में सारे ट्रांजेक्शंस को चेक करता है. तो जब डिटेल में जाएगा तो एरर एंड फ्रॉड ऑब्वियसली बात है कि बहुत आसानी से निकल जाएगा. Next one, helps the auditor in making valuable suggestions. Since the auditor remain more in touch with the business, he is in a position to know the technical details of it and hence can be great help to his client by making valuable suggestion. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी के डेट में क्या होता है कि ऑडिटर अपने क्लाइंट्स को सजेशंस भी देते हैं कि आपको अपने बिजनेस में और क्या क्या चेंज करने की जरूरत है. तो क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट में ऑडिटर का आना जाना काफी ज्यादा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, काफी टच में रहता है वो बिजनेस के साथ, तो वो अपना वैल्यूएबल सजेशन भी टाइम टू टाइम उस बिजनेस को देते रहता है. यानी कि बिजनेस के लिए फायदा है कि ऑडिटर का वैल्यूएबल सजेशन उसको टाइम टू टाइम मिलते रहता है रिगार्डिंग देयर अकाउंट्स मेकिंग. Next one, that is quick presentation of accounts. As the checking work is already prepared during the year, the final audited accounts can be presented to the shareholder soon after the close of the financial year at the annual general meeting. क्योंकि सालों हम लोग हर महीने, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली हम लोग ऑडिट परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगा वो ऑलरेडी ऑडिटेड रहेगा. तो ऑलरेडी ऑडिटेड है तो हमारा जो फिर भी फाइनल ऑडिट कराना जरूरी होता है. तो फाइनल ऑडिट में क्या होता है कि ऑलरेडी ऑडिटेड अकाउंट है तो फाइनल ऑडिट बहुत आराम से हो जाता है और जल्दी से जल्दी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है शेयर होल्डर के पास आप अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करने के लिए रेडी रहते हो जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब. उसके बाद keeps the client staff regular. As the auditor visits the client at regular interval, the clerk will be very regular in keeping the accounts up to date. क्योंकि auditor regular basis पे organization में आता है तो वहाँ के जो accounts clerk होते हैं वो भी बहुत attentive होते हैं, वो up to date रखते हैं सारे accounts को, क्योंकि उनको पता है कि हर महीने, हर half yearly में audit होता है, तो उनको हमेशा attentive रहना पड़ता है. Next one, moral check on the client staff. If the auditor pays surprise visit, he will have a considerable moral check on the clerk preparing the account. अब क्योंकि ऑडिटर को पता है, क्लाइंट को पता है कि कब ऑडिट करना है, क्लर्क्स को तो नहीं पता, उनके स्टाफ को तो नहीं पता. जब ऑडिटर सडनली सरप्राइज विजिट दे देता है तो वो ये जान पाता है कि जो वहाँ पे क्लर्क हैं, जो स्टाफ हैं, जो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कितने अटेंटिव होकर के काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, efficient audit. As the auditor has made more at his disposal, he can check the accounts with greater attention and in detail, and his work will be more efficient. भाई क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है तो उसको ज्यादा वर्क का बर्डन नहीं होता है, वो उतना बोर नहीं हो पाता है ना. तो इस वजह से रेगुलर इंटरवल पे वो करता है तो वो उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा डिटेल में अपने काम को करता है. जब लास्ट मोमेंट पे आएगा, फाइनल में आएगा, तो उसके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा कि वो हर चीज़ को उतने डिटेल में चेक नहीं कर पाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ऑडिट परफॉर्म किया जाता है वो काफ़ी इफिशियंट होता है. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इंट्रीम अकाउंट. Interim account, if the director of a company wish to declare an interim dividend. Interim dividend क्या होता है? Interim dividend यानी कि मतलब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड. कंटिन्यूअस अकाउंट ऑडिट विल बी हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट विदाउट मच डिले. अब देखिए, आप पूरे साल में रेगुलर इंटरवल पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करा रहे हैं. अगर उस बीच में आपको किसी शेयर होल्डर को उनको डिविडेंड पे करना है तो क्योंकि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑलरेडी ऑडिटेड है, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, तो आप ऑडिटेड अकाउंट आपके पास है तो आप आराम से जो भी डिसीजन, इंटरिम डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके का रिलेशन रखने वाला डिसीजन हो, इंटरिम डिसीजन हो, आप उसको बहुत ही क्विकली आप कर सकते हैं क्योंकि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑलरेडी ऑडिटेड है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है ऑडिट स्टाफ कैन बी केप्ट बिजी. द ऑडिट स्टाफ मे बी सेंट टू अदर क्लाइंट्स आफ्टर हैविंग फिनिश्ड द वर्क फॉर वन क्लाइंट एंड दस कैन बी केप्ट बिजी थ्रू आउट द ईयर. देखिए, जो ऑडिट स्टाफ होते हैं वो पूरे साल इसमें बिजी होते हैं. ऐसे क्या होता है, जहाँ पे फाइनल ऑडिट की जाती है वहाँ पे साल के अंत में बस ऑडिटर आता है, तो जो भी ऑडिट स्टाफ होते हैं उस डिपार्टमेंट में क्लर्क होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो बस साल के अंत में ही बिजी रहते हैं क्योंकि उस समय ऑडिट का वर्क परफॉर्म किया जा रहा होता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट स्टाफ जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली बिजी रहते हैं. अब देखिए, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस है कंटिन्यूअस ऑडिट का. पहला, अल्टरेशन ऑफ फिगर. अब देखिए, क्योंकि ऑडिटर जो है वो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके जा चुका है प्रीवियस विजिट में, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में उसमें किसी न किसी तरह का फ्रॉड कर दिया जाए उस ऑडिटेड अकाउंट के साथ, यानी कि अब तो वो ऑलरेडी चेक हो चुका है, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन हो सकता है. नेक्स्ट वन, दैट इज डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट्स वर्क. As the auditor visits frequently, it may dislocate the work of his client, can cause inconvenience to the latter. Next one, that is expensive. अब देखिए, expensive है हमेशा throughout the year, मतलब रेगुलर बेसिस पे ऑडिट कराना, ऑडिटर को रेम्यूनरेशन देना, ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है. नेक्स्ट वन, क्वेरीज मे रिमेन आउटस्टैंडिंग. As there may be a long interval between the two visits, the audit clerk may lose the link between the past and present work, and queries which he wanted to make may remain outstanding. अब देखिए, जो ऑडिट क्लर्क वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि उनको तो नहीं पता कि नेक्स्ट विजिट ऑडिटर का कब होने वाला है. आप सपोज कीजिए पिछले मंथ वो आए, अब 3 महीने बाद आएंगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग इंटरवल हो जाता है. अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो फिर वो क्वेरी धरी की धरी रह जाती है ना, वो रिमेन आउटस्टैंडिंग ही रह जाती है. नेक्स्ट वन, मैकेनिकल वर्क. अंडर सच एन ऑडिट द वर्क ऑफ द ऑडिटर बिकेम मैकेनिकल एंड हिज फ्रीक्वेंट विजिट्स में ऑल्सो कॉज बॉर्डम टू हिम. अब देखिए, ये काफ़ी मैकेनिकल हो जाता है, इससे कहीं ना कहीं ऑडिटर बोर हो जाता है. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने जाओ, उसी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक बॉर्डम वाली भी फीलिंग आ जाती है, बोर हो जाता है, ये फीलिंग भी आ सकती है. नेक्स्ट है पीरियोडिकल और फाइनल और कंप्लीट ऑडिट. ये तीनों नाम है आपका, पीरियोडिकल, फाइनल और कंप्लीट, है ना. देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, आप नाम से ही समझ सकते हैं. फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट यानी कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट के बनने के बाद की ऑडिट. that system under which the auditor takes up his work of checking the books of account and other related documents only and at the end of the accounting period, when the transactions for the whole period are completely recorded, balanced, and a trading profit and loss and balance sheet has been prepared is known as periodical और final audit. ये नॉर्मल वाला ऑडिट है अपना, यानी कि जो फाइनली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हो गए, ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रेडिंग पीएल बन गया, बैलेंस शीट बन गया, पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल पीरियड का पूरा फाइनल अकाउंट बन करके तैयार है. और उसके बाद जो ऑडिट होती है, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑडिट, दैट इज फाइनल ऑडिट. He would complete his audit work in one continuous session or without any interval. हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑडिट हमेशा एक सेशन में ही कराना होता है, एक सेशन से ज्यादा में फाइनल ऑडिट नहीं होता. तो ये वही वाली बात है जो नॉर्मल हम लोग ऑडिट पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि पूरे साल में एक बार आता है, फिनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट बने हुए हैं उनको कंप्लीटली चेक करता है एक ही सिटिंग में, उसमें कोई इंटरवल नहीं दिया जाता. In other words, the auditor visits his client only once a year and goes on checking the accounts and other related documents until the audit work for the whole of the period is completed. यानी कि एक बार बैठता है बंदा, जो ऑडिटर, अपने क्लाइंट के ऑफिस में, और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को जो पूरे साल में उन्होंने बना रखा है फाइनल अकाउंट, उसके सारी एंट्रीज को चेक कर लेता है, सारे डॉक्यूमेंट से मिला लेता है, वो भी एक ही सिटिंग में पूरे फाइनेंशियल पीरियड को कंप्लीट करता है. नेक्स्ट वन, अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं. द वर्क ऑफ ऑडिट डज नॉट प्रेजेंट एनी इनकन्वीनियंस एंड डिसलोकेशन इन द वर्क ऑफ द कंसर्न एज द ऑडिटर कम्स ओनली वंस अ ईयर. अब यहाँ पे किसी तरीके का इनकन्वीनियंस और डिसलोकेशन किसी भी चीज का नहीं होगा, क्योंकि साल में एक बार ही ऑडिटर यहाँ पे आता है और अपने ऑडिट वर्क को परफॉर्म करता है. ये लेस एक्सपेंसिव होता है और छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि जो ऑडिटर का काम है वो बहुत क्विकली कंप्लीट हो जाता है, रीजनेबल टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और एक्सपेंसिव भी कम होता है. तो स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए ये जो फाइनल ऑडिट है, पीरियोडिकल ऑडिट है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है. द ऑडिट वर्क डज नॉट बिकम मैकेनिकल फॉर द ऑडिटर. जैसा कि पहले हमने देखा कि कंटिन्यूअस ऑडिट में मैकेनिकल हो जाता है ऑडिटर के लिए, यानी कि वो काफ़ी बोर हो जाता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट को देख देख करके. तो यहाँ पे वो सीन नहीं होता, ऑडिटर यहाँ बोर नहीं होता, क्योंकि साल में एक बार आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है और चला जाता है. Undue collision is not established between the auditor and the clerk. अब किसी तरह का जो गठबंधन होता है ना, वो मिली भगत, वो नहीं बन पाता है ऑडिटर और क्लर्क के बीच में, क्योंकि भाई दोनों का इंटरेक्शन साल में एक बार ही होता है, कैसा गठबंधन की सरकार उन लोग की बन सकती है ना. अब देखिए डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में क्या है, इन पीरियोडिकल ऑडिट डिटेल चेकिंग ऑफ द अकाउंट इज नॉट पॉसिबल. मैंने पहले ही कहा था, अगर बिग बिजनेस हाउस है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ऑडिटर जो होता है वो सैम्पलिंग प्रोसेस लेकर के चलता है, रैंडमली सेलेक्ट करता है और उसको फिर वो रिपोर्ट में उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार कर देता है. तो यहाँ पे अगर बिग बिजनेस हाउस है तो आप कभी भी डिटेल चेक नहीं कर सकते हो अकाउंट्स को. नेक्स्ट वन, देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ एरर एंड फ्रॉड इन अकाउंट्स एज द ऑडिटर विजिट्स हिज क्लाइंट वंस ईयर एंड नॉट एट रेगुलर बेसिस. क्योंकि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, वो उतने डिटेल में घुस करके चेक नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिटेल में देखेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर एंड फ्रॉड एग्जिस्टेड रह ही जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में. इफ सच ऑडिट इज अंडरटेकन इन लार्ज कंसर्न इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट एंड हेंस प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर इज डिलेड. अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में हैं, तो ऑडिट को परफॉर्म करने में काफ़ी समय लग जाता है. और क्योंकि ऑडिट को परफॉर्म करने में ज़्यादा समय लगेगा तो ऑडिटर के रिपोर्ट को भी आने में समय लगेगा, तो उसको आप प्रेजेंट करोगे शेयर होल्डर के सामने भी देर से, क्योंकि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका ऑडिट करने में देर लगेगा, रिपोर्ट आने में देर लगेगा, तो आपके शेयर होल्डर के पास भी आपका जो चेक्ड अकाउंट है वो भी डिले हो जाएगा. बट शेयर होल्डर्स आर यूजुअली वेरी annexures for the dividend which cannot be declared until the final account have been prepared and audited. क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने डिविडेंड के लिए परेशान होते हैं, लेकिन तब तक वो रिलीज़ नहीं होता जब तक कि फाइनल उनको ऑडिटर का रिपोर्ट नहीं मिल जाता कि जो फाइनल अकाउंट बनाया गया है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू है, यानी कि ऑडिट होने के बाद ही डिविडेंड को रिलीज़ किया जा सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो बड़े बिजनेस हाउस के लिए, जो बिग कंसर्न है, उनके लिए ये ऑडिट ज़्यादा खासा अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस हाउस है तो ये बहुत बेनिफिटेड होता है स्मॉल बिजनेस हाउस के लिए। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट. अंडर कंटिन्यूअस ऑडिट द ऑडिटर और हिज स्टाफ फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द अकाउंट्स visit his clients at regular or irregular interval during the financial year. हमने पढ़ा कि भाई continuous audit में क्या होता है कि जो auditor या फिर उसका staff जो होता है वो regular basis पे financial year में ज़्यादा से ज़्यादा बार, महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आते रहता है, रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते रहता है, उनके ऑफिस को विजिट करते रहता है ना, तो पूरे एक फिनेंशियल ईयर में। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ फाइनल ऑडिट ही विजिट द क्लाइंट ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब आप बात करोगे फाइनल ऑडिट की तो वहां पे ऑडिटर कब विजिट करता है? साल में एक बार, वो भी फिनेंशियल पीरियड के एंड में। नेक्स्ट डिफरेंस, इन कंटिन्यूअस ऑडिट द ऑडिट वर्क इज कैरिड ऑन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते जाते हैं वैसे वैसे ऑडिट क्या होता है, चेक होते चला जाता है। अब सपोज कीजिए कि 1 महीने का ट्रांजेक्शन हुआ, ऑडिटर हर महीने आ रहा है, तो जैसे ही 1 महीने का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ वो सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑडिटर आया और चेक करके चला गया। यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ऑडिटर के थ्रू ऑडिट भी किए जा रहे हैं। While in final audit, accounts are audited much after their recording. बहुत टाइम बाद उनको चेक किया जाता है फाइनल ऑडिट में, जब रिकॉर्ड किया गया। आप सपोज करो फिनेंशियल पीरियड आपका क्या है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो अगर सितंबर में किया गया है या फिर अगस्त में किया गया है तो वो 6 महीने 7 महीने के बाद उसका ऑडिट किया जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या है, 1-2 महीने में ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो चेक हो जाता है ऑडिटर के थ्रू। नेक्स्ट डिफरेंस, कंटिन्यूअस ऑडिट इज कमेंस्ड एंड कैरिड ऑन बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड टू विच इट इज रिलेटेड। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, आपका फाइनेंशियल पीरियड खत्म होने के पहले ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को वो ऑडिट कर चुका होता है। While final audit is undertaken when all accounts have been recorded, balanced, and a trading and profit and loss account and balance sheet have been prepared. और final audit कब होता है, जब सारे final account बन जाते हैं, बैलेंस शीट बन गया, ट्रेडिंग पीएल बन गया, यानी कि कंप्लीट फाइनल जो सेटलमेंट होता है अकाउंट का जब हो जाता है तब फाइनल ऑडिट किया जाता है। अब देखिए थर्ड वन, दैट इज इंट्रीम ऑडिट। इंट्रीम ऑडिट है ना, इंट्रीम ऑडिट समझ लीजिए कि दो एनुअल ऑडिट के बीच का ऑडिट। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस हाउसेस को अचानक से ऑडिट कराने की जरूरत आ जाती है। सपोज कीजिए कि फाइनल ऑडिट तो भाई साल में एक बार होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो होगा। अब 31 मार्च को फाइनेंशियल पीरियड खत्म हुआ, 1 अप्रैल को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया। अब क्योंकि 31 को उन्होंने ऑडिट करा रखा था, 31 तक के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो चुके हैं। अब बीच में अक्टूबर या सितंबर महीने में उन्हें ज़रूरत आ गई ऐसी कि उन्हें ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने की ज़रूरत है, तो उस केस में वो ऑडिट कराते हैं और ऐसे ऑडिट को हम बोलते हैं इंट्रीम ऑडिट। यानी कि 2 एनुअल ऑडिट के बीच में अगर कोई ऑडिट परफॉर्म करा रहा है ऑर्गेनाइजेशन सडनली, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रीम ऑडिट। देखिए पढ़ लेते हैं, इंट्रीम ऑडिट इज वन which is conducted in between the 2 annual audit for some interim purpose. किसी इंट्रीम पर्पस के लिए अगर 2 एनुअल ऑडिट के बीच में कोई ऑडिट कराया जाता है, जबकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ फाइनल ऑडिट ही करा रही है, वो कंटिन्यूअस ऑडिट नहीं कराती है ना, वो फाइनल ऑडिट ही करा रही है, लेकिन दो एनुअल ऑडिट के बीच में अगर वो ऑडिट करा रही है तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। से टू एनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड, अगर मान लीजिए कि उसको सडनली इंटरिम डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड कब देगा? जब सपोज 3 महीने के बाद उसको डिविडेंड देना है, तो अभी 3 महीना अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ और 3 महीने के बाद ही उसको डिविडेंड पे करना है, तो अभी उसने 3 महीने में जो भी अकाउंट बनाया है उसका फाइनल अकाउंट का वो ऑडिट कराएगा तो ही वो डिविडेंड पे कर सकता है, इसलिए उसको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। और अगर वो एनुअल ऑडिट के पहले कोई ऑडिट ऐसे केस में कराता है, इंटरिम केस में कराता है, तो उस ऑडिट को हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो इंटरिम डिविडेंड देने से पहले आपको अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कराना होगा, ऑडिटर से ऑडिटिंग करानी ही पड़ती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर टू द डेट सेट ऑफ इंटरिम अकाउंट्स, से क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकाउंट्स, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट चेकिंग हो जाती है पूरे अकाउंट की, है ना। जब तक पिछला जो आपका ऑडिट हुआ है उससे अभी तक के जो भी प्रिपेयर किए गए हैं अकाउंट, उनका पूरा का पूरा ऑडिट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे एडवांटेज देखिए, दिस ऑडिट इज हेल्पफुल व्हेन द पब्लिकेशन ऑफ इंटरिम फिगर बिकम नेसेसरी। ये ऑडिट तभी हेल्पफुल है जब कोई इंटरिम आपको जरूरत पड़ती है, आपको इंटरिम फिगर की जरूरत है, यानी कि अचानक से आपको फाइनल अकाउंट, वेरीफाइड फाइनल अकाउंट की जरूरत है, तो इस केस में ये ऑडिट अच्छा माना जाता है। विथ इंटरिम ऑडिट द फाइनल ऑडिट कैन बी कंप्लीटेड इजिली एंड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि भाई इंटरिम ऑडिट ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी का हो चुका है तो फाइनल ऑडिट करना थोड़ा इजी हो जाता है और काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है, क्योंकि कुछ फेज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट तो ऑलरेडी ऑडिटेड है, तो बचा खुचा ही उसको चेक करना होगा ना, तो बाकी पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार उसको कम टाइम लगेगा। एरर एंड फ्रॉड कैन बी मोर क्विकली फाउंड एंड डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। अब जब तक जिस बीच में जिस इंटरवल पे आपने इंटरिम ऑडिट करा रखी है वहां पे क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं हुए होंगे तो एरर एंड फ्रॉड को काफी क्विकली वो डिटेक्ट कर लेगा। Since the interim audit is performed during the course of a year, it helps in exercising moral check on the staff of the client. क्योंकि interim audit अचानक से है तो sudden visit हो जाता है, तो जो भी अभी तक में स्टाफ, जो ऑडिट स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं क्लाइंट के पास, उनका मोरल चेक भी हो जाता है कि भाई वो कहीं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के चक्कर में ही तो नहीं रह जाते, साल भर काम करते हैं या नहीं करते। अब इसका डिसएडवांटेज देखिए, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरिंग फिगर इन द अकाउंट्स विच हैव ऑलरेडी बीइंग ऑडिटेड। ये हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट में भी था कि अगर ऑलरेडी ऑडिटेड हो चुका है तो वो तो फाइनल हो गया, वो तो बिल्कुल फाइनल है क्योंकि उसने ऑडिट करा लिया, वो ऑडिटर ने उस पर साइन कर दिया अपने रिपोर्ट में, तो अब वहां पे जो भी अकाउंट्स कहेंगे वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर उसको माना जाएगा। अब हो सकता है कि जिसको फ्रॉड करना है तो वो उसमें कहीं ना कहीं कोई अल्टरेशन कर सकता है। नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरिम ऑडिट इन्वॉल्व्स एडिशनल वर्क एज द ऑडिट स्टाफ विल नॉट हैव टू प्रिपेयर नोट्स आफ्टर फिनिशिंग द इंटरिम ऑडिट। अब देखिए ये इसमें एडिशनल वर्क काफ़ी हो जाता है ऑडिट स्टाफ को, क्योंकि वहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करना होता है इंटरिम ऑडिट को ख़त्म करने के बाद कि इंटरिम ऑडिट में वहाँ पे ऑडिट में क्या क्या परफॉर्म किया गया और क्या क्या पाया गया। अब डिफरेंस देखते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट के बीच में। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट The auditor undertakes the audit work for the whole financial year at interval according to client's own need and convenience. यानी कि continuous audit में क्या करता है auditor, पूरे financial period में एक regular interval पे आता है और books of account को check करता है, और वो regular interval कौन select करता है, वो client के convenience के according होता है। जब client चाहे तो वो अपने convenience के according auditor को बुलाता है, While in interim audit, the auditor work is done upon to a definite date. यानी interim audit क्या है? Regular interval पे आप नहीं करते, किसी एक particular date पे auditor को बुलाते हो और उस खास जो भी period of time का आपको audit कराना है उनका audit करवाते हो. Regular basis पे auditor visit नहीं करता interim audit में. Next one, under continuous audit, verification of assets and liabilities is done at the close of the financial year. है ना, continuous audit में क्या होता है कि books of account को हम check कर रहे हैं, auditor क्या कर रहे हैं, check कर रहा है, लेकिन जो verification process होता है ना, verification process यानी कि physical existence, possession, सब कुछ है कि नहीं assets and liability की organization के पास, तो वो जो check होता है वो साल के end में ही होता है, वो कंटिन्यूअसली नहीं होता. साल के एंड में ही वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की जाती है. लेकिन इंटरिम ऑडिट में जिस टाइम ऑडिट परफॉर्म किया जाता है, जितने दिनों के लिए किया जाए, चाहे 3 महीने के लिए किया जाए, चाहे 4 महीने के लिए किया जाए, उस समय वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी होती है. नेक्स्ट वन, when continuous audit is done, the trial balance is not to be prepared necessarily at interval, but in case of interim audit the trial balance has to be prepared. अब क्योंकि continuous audit में क्या है, जितने भी transactions हो रहे हैं सबको auditor verify करते जाता है. अब auditor हर महीने अगर जाता है तो क्या हर महीने trial balance बना करके check करता है? नहीं, वो जितने भी transactions हो रहे हैं उनको बस check करता है कि उसके legal evidences ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं, कोई फिक्स्टिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा बुक्स ऑफ अकाउंट में. बस वो चेक करता है कि सारे ट्रांजैक्शन सही हैं या नहीं, जेन्युइन हैं या नहीं. उसके लिए कोई ट्रायल बैलेंस बना करके, फाइनल अकाउंट बना करके चेक नहीं किया जाता. लेकिन इंटरिम ऑडिट बजाबते कंप्लीट ऑडिट है तो वहां पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, कुछ ही महीने का हो लेकिन बनाया जाता है, और फाइनल चेक किया जाता है और वेरिफिकेशन भी किया जाता है सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की. Next one, the auditor has to give the report at the close of financial year when continuous audit is done. Continuous audit में क्या हर महीने auditor आता है और उसको हर महीने report देना होता है? नहीं, हर महीने report नहीं देना होता है. वो बस transactions को देखता है सही है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है transaction में, सारे accurate मतलब चीजें हो रही हैं या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बस देखता है. ऐसा नहीं है कि वो हर महीने रिपोर्ट दे करके जाता है अपने क्लाइंट को. लेकिन इंटरिम ऑडिट जब भी परफॉर्म होता है तो बिल्कुल फाइनल ऑडिट की तरह होता है. इसमें सारा वेरिफिकेशन भी होता है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और साथ साथ ऑडिटर अपना रिपोर्ट भी सबमिट करता है. नेक्स्ट है ओकेजनल ऑडिट. ओकेजनल ऑडिट, भाई नाम है, कभी कभार होने वाला ऑडिट, ओकेजन के बेसिस पे होने वाला ऑडिट. एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड ओकेजनली, दैट इज वंस अ वाइल वेन एवर द नीड अराइजेस एंड द क्लाइंट डिजायर्ड इज टू बी अंडरटेकन. फॉर इंस्टेंस द ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, बट वेन एवर द नीड अराइजेस द ओनर्स कैन गिव द अकाउंट्स ऑडिटेड, है ना, कैन गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड. सॉरी, ओकेजनल होता है, कभी कभी कराया जाता है. अब जो बिजनेस है जहां पे कोई लॉ के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग नहीं है कि आपको ऑडिट करानी कंपलसरी है, तो वो क्या करते हैं, उस तरीके के बिजनेस जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वहां पे किसी तरह का कोई कंपलसरी नहीं कहा गया कि आपको ऑडिट कराना जरूरी है. तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है, ऐसा फील होता है कि हमें ऑडिट करानी चाहिए, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कराना चाहिए एक ऑडिटर से, तो वो ऑडिट करा लेते हैं. यानी ओकेजनल कराते हैं, जब उनको फील होता है कि कराना चाहिए तो वो कराते हैं. इस तरीके के ऑडिट को हम बोलते हैं ओकेजनल ऑडिट. नेक्स्ट वन, दैट इज पार्शियल ऑडिट. पार्शियल ऑडिट, अंडर पार्शियल ऑडिट एन ऑडिटर इज आस्क्ड टू चेक सम ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स फॉर अ पार्ट और होल ऑफ द पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, auditor may be instructed to audit only the payment side of the cash book because he himself receives cash and checks on behalf of his business. Such an audit is not permitted in case of private or public limited company. है ना, अब देखिए पार्शियल ऑडिट क्या है कि पार्शियल ऑडिट भाई कंप्लीट ऑडिट नहीं है, यानी कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को, पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट को आप यहाँ पे चेक नहीं करोगे. आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को चेक करोगे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को चेक करोगे। जैसा क्लाइंट अगर आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप क्या करो कि आप कैश बुक के पेमेंट साइड को बस जाकर के ऑडिट करो कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक का वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, है ना। ये जो ऑडिट है पार्शियल ऑडिट, ये कोई भी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए परमिटेड नहीं है, ये इनको परमिशन नहीं मिलता पार्शियल ऑडिट का। नेक्स्ट वन दैट इज बैलेंस शीट ऑडिट। अंडर सच एन ऑडिट द ऑडिटर चेक्स कैपिटल, रिजर्व, एसेट्स, liabilities given in the balance sheet. Those item of trading and profit and loss account are also checked which has been bearing on the balance sheet items. अब देखिए बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब ही है साफ कि सिर्फ वो बैलेंस शीट में जो भी एंट्रीज की गई हैं, जो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, सिर्फ उन्हीं को चेक करेगा ऑडिटर, और ट्रेडिंग एंड पीएल को भी चेक करेगा अगर उसका रिलेशन किसी तरीके से बैलेंस शीट से होगा तो। फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल इंक्रीज द लाइबिलिटी टू क्रेडिटर। अब ऑब्वियस सी बात है, आप परचेज ऑफ गुड्स करोगे तो आपकी लाइबिलिटी साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होगी यानी आपका क्रेडिटर इंक्रीज होगा, तो वो ऑडिटर अगर बैलेंस शीट ऑडिट कर रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेगा कि आपने सही में परचेज किया है या नहीं किया है। यानी कि बैलेंस शीट को ही बेसिकली चेक किया जाता है, लेकिन अगर उसकी एंट्री से रिलेटेड कोई एंट्री ऐसी है जिसमें जिसको वेरीफाई करने के लिए ट्रेडिंग पीएल को हाथ लगाना जरूरी है तो ही ऑडिटर ट्रेडिंग एंड पीएल के तरफ जाएगा, अदरवाइज वो सिर्फ बैलेंस शीट को ही चेक करेगा क्योंकि ये बैलेंस शीट ही ऑडिट, ये बैलेंस शीट ऑडिट ही है ना। इस तरीके के ऑडिट जो होते हैं वो यूएसए में ज्यादा पॉपुलर हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। मैं इस चैनल पे इसी तरह से कॉमर्स और मैनेजमेंट के सारे पेपर्स पढ़ाने वाली हूँ, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगर मैं नए वीडियो यहाँ पे लाती हूँ। तो मैं हर दिन 1 से 2 वीडियोज़ ला रही हूँ, सो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Stay tuned.